कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना NMP की घोषणा को युवाओं के भविष्य पर हमला करार देते हुए मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा, 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक RFP तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माता जी थी, वे सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं।